मेंस से ही पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करनी है, और मेंस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ऑप्शनल। अगर आपको ऑप्शनल हैंडल ले तो मेंस बहुत आराम से निकल जाएगा, इसीलिए मैंने बोला सबसे पहले ऑप्शनल ख़त्म करिए। अगर आप मान लीजिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपने जितनी जल्दी अपना ऑप्शनल ख़त्म कर लिया, तो आपने 1750 में से 500 नंबर का सिलेबस ख़त्म कर दिया है, उसके बाद में आप बाकी चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो मैंने जब मेरी तैयारी स्टार्ट करी, मेरे दोस्त ने बहुत सिंपल सी बात बोली, मेरे दोस्तों ने मेरे को कुछ 5-10 टिप्स दी हैं, वो ऐसी थी कि मैंने उनको मतलब पूरा अच्छे से गांठ बांध ली कि ये तो मैं भूलना ही नहीं, और जो उन्होंने बोला वो तो करके रहना है। उसमें से एक बात बोली कि ऑप्शनल सबसे पहले ख़त्म कर लो, मैंने वही करा। मैथ्स का ऑप्शन बहुत हैवी ऑप्शनल है, कम से कम 1.5-2 गुना सिलेबस होगा उसका किसी दूसरे ऑप्शनल के कंपैरिजन में, और आराम से 7-8-9 महीने लगते हैं उसको ऑप्शनल, अगर मैं आराम आराम से तैयारी करूँ, और वर्सेस कोई और ऑप्शनल तैयारी करूँ वो 3-4 महीने में कर सकता हूँ। बट मुझे पता था कि मैथ्स मेरा ज़रूरी है, मैथ्स मुझे ख़त्म करना है, तो मैंने 4 महीने का गोल लगा कि मैं 4 महीने में मैथ्स ख़त्म करके रहूँ।